हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम आए हैं यहाँ पे मायरा की क्लास स्कूल में। आज मायरा का पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और ये है मायरा का क्लास। और उसके बाद में हमें भागना है, शादी के तैयार होना है, फिर घर पे वापस आना है, देन रिसेप्शन। तो आज का डे बहुत हैक्टिक रहेगा। मायरा के स्कूल से जाके आ गए, मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ, पूरा काम निपटाया, मायरा को भी खिचड़ी खिला दिया, क्योंकि वो वहाँ पे खाती नहीं है। वो बहुत बड़ा एक टास्क है उसको खिलाना, तो वहाँ भूखी भी रहेगी चलेगा, क्योंकि उसने खिचड़ी विचड़ी खा लिया है। आरो को भी खिला दिया, अब मैं पहले रेडी हो जाती फिर इसको रेडी करती हूँ। क्या है मायरा, क्या हुआ? हाँ, पहले जल्दी निकलो बाहर, मामा को तैयार होने दो, फिर मम्मी आपको नया ड्रेस पहनाएगी ना। शादी में जाना है कि नहीं? चलो चलो जल्दी चलो। हम लोग पहुंच गए हैं शादी के हॉल में। वैसे हम लड़के वाले हैं और अभी तक लड़के वाले आए नहीं हैं, तो हम हॉल में जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या है, और उसके बाद में हम लोग जैसी बारात आ जाएगी हम लोग नीचे आ जाएंगे। ये मेरी मायू, मायू मायरा हाय करो। जो तैयार हुए, कैसा तैयार किया है मैंने मायरा को, और मैं कैसा तैयार हुई मैं ही जानती हूँ। इतना मस्ती चल रहा था मायरा का, इतना, और वहाँ पे घोड़ी भी है मायरा, देखो हॉर्स। और ये है एंट्री, आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है ऐसा ब्राइड एंड ग्रूम का। एंड मैंने मायरा को सिखाया कि ये ऐसे पकड़ के चलना है, एंड ये हाँ हाँ ऐसे पकड़ के चलो। अभी कुछ ऐसा है, मैं वैसे ये पहले हॉल में आ चुकी हूँ, तभी इतना नहीं था, बट अभी काफी चेंजेस। सो दिस इज द मेन एंट्री, कॉर्नर्स में फूड स्टॉल है। बीचों बीच मंडप है, फिर और फेरे, ये स्टेज है, थोड़ा फोटो सेशन कर रहे हैं, सो ब्यूटीफुल। और यहाँ मम्मी हर हाँ मेरी लड़की वो वहां बैठे हैं। और यहाँ पे ब्राइड का फोटो सेशन हो रहा है, एंड ब्राइड वो बहुत सुंदर लग रही है। एंड ये एंट्री के लिए है, ये गेट रिबन की तैयारी। हम लड़के वाले हैं और वहाँ पे लड़के वाले आ गए हैं। देखा था पहले शादी में रिबन ये इस तरह से, वो शादी में हम लोग लड़की वाले थे, एंड ये शादी में हम लोग लड़के वाले हैं।
अभी दुल्हन की एंट्री हो रही है। मेरा है ऑरेंज फ्लेवर और हम लोग घर में आ गए हैं दिन में सोने के लिए। मायरा सो गई है, मायरा ने इतना परेशान किया, बाप रे, मुझे हॉल से घर तक उसको गोद में उठा के लाना पड़ा। बेचारे मामा भी आए, मतलब मायरा के दादाजी, वो उन्होंने भी थोड़ा मायरा को गोद में उठाया। उनकी भी एज हो गई है तो बेचारे फिर भी कैसे कैसे करके गोद में उठाया, आधा थोड़ा उन्होंने लिया, थोड़ा मैंने लिया। अब वापस से तैयार होना है। एक्चुअली मैंने सोचा था घर पे आके थोड़ा आराम करूँगी, बट हॉल से भी थोड़े कोई बहुत मेहमान आ गए हैं तो आराम नहीं मिलेगा, बट इट्स ओके। वो भी एक्चुअली बहुत थक गए सब लोग, तो सब लोग यहाँ थोड़ा आराम करने आए, थोड़ा चाय वाय पियेंगे तो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है। तो मुझे भी तैयार होना है। मैंने आंटी को बुलाया है, पार्लर वाली आंटी को, क्योंकि मैं साड़ी पहन रही हूँ, मुझे साड़ी पहनने जमता नहीं है, तो वो आंटी पहना देगी तो फटाफट हो जाएगा। और मैं हो गई हूँ रेडी। मैं एक्चुअली पीछे से जा रही हूँ, मायरा को मैंने आगे भेज दिया है। बहुत पसारा हो गया था, थोड़ा मुझे समेटना ज़रूरी था, क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में हमें 8 o'clock को जाना है, निकलना है मायरा का स्कूल का एडमिशन के लिए फॉर जूनियर KG, सो इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया है। ज़्यादा लेट नहीं हुआ, आई डोंट थिंक सो, मम्मी लोग ज़्यादा आगे निकले होंगे, गेट तक ही पहुँचे होंगे। आई होप सो मैं कैच कर लूँ, बट नहीं शायद कर सकती हूँ क्योंकि मैं साड़ी में हूँ। फोटो सेशन भी नहीं किया, इतनी अच्छी लग रही हूँ पहली बार। और ये मेरी लड़की डांस कर रही है। चल रहे हैं मायरा, इसका अलग ही पूजा चल रहा है, पता नहीं क्या कर रही है। सो आई एम बैक। बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बहुत हालत खराब हो गया है, गला भी थोड़ा थोड़ा बैठ गया है। मायरा पे चिल्ला चिल्ला के, वो इतना मस्ती, ओ गॉड। अब कल सुबह बहुत जल्दी उठना है क्योंकि मायरा का इंटरव्यू है उसको स्कूल में एडमिशन के लिए। मुझे कुछ 8 बजे वहाँ यहाँ से निकलना है। तो बाकी सबका नाश्ता विश्ता बना के, खुद नहा के, मायरा को नहला के, पूरा काम निपटा के, मतलब मुझे उठना पड़ेगा 6 o'clock तो उठना ही पड़ेगा, 2 घंटा मुझे लगेगा ही करने में। और आरो अगर आज सोने देगा तो मैं बहुत लकी रहूँगी, नहीं सोने दिया तो मेरा तो। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग आ गए हैं मायरा के स्कूल में, इसका एडमिशन प्रोसेस है। ये काफ़ी पेरेंट्स आए हैं, जैनम जयती भी आए हैं। ये मायरा, बोलो गुड मॉर्निंग। तो जैसे कहा था इंटरेक्शन है, मुझे लगता है इंटरेक्शन ही होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि सारे पेरेंट्स को एक साथ बोला है। आई थिंक जैसे पोदार में हुआ था, मे बी पेरेंट्स को बोले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। लेट्स सी क्या होता है, अभी तक तो स्टार्ट हुआ नहीं है, ये स्टेज है। सो मायरा का एडमिशन अच्छे से हो गया है, थैंक गॉड। मैं डर गई थी क्योंकि सबसे पहले मायरा ने जाके गुड मॉर्निंग बोला, उसके बाद मैं उसे पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, उसने नाम बताया, फिर कलर्स पूछा, तो मायरा को कलर्स अभी इतने अच्छे से नहीं बोल पाती है वो, कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है। वो सिर्फ रेड, वाइट और ऑरेंज, 3 colors ही बताती है। उन्होंने ब्लू कलर का पूछा था तो उसने नहीं बोला। फिर बोला उसे कि ABCD आता है, आप ABCD बोलो, उसने बोला ही नहीं, बोलती नहीं मैं नहीं बोलूँगी।
बाद में जब उसे चॉकलेट दिया तब ABCD पूरा पट पट बोलने लग गई। उसका एडमिशन हो गया है, अभी पेमेंट करना है, वो लिंक दिया है, वो लिंक से पे करना है, 2 दिन के अंदर पेमेंट करना, नहीं तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। थैंक गॉड सब एट द एंड सब ठीक रहा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।